जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को बाढ़ के दौरान मॉडल राहत शिविर राहत कैंप संचालित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि राहत कैंप के संचालन हेतु नायब तहसीलदार से अनुन्नत अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए, कैंप के बाहर मॉडल राहत कैंप का बैनर लगाया जाए, राहत कैंप के संचालन हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाए जो कि आवागमन की दृष्टि से सुगम हो, बाढ़ क्षेत्र से बाहर एवं ऊंचाई पर स्थित हो, राष्ट्रीय प्रबंध पदाधिकारी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 3.5 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने आगे निर्देश दिया कि कैंप में सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएं, महिलाओं की विशेष सुरक्षा हेतु महिला गार्ड आदि की नियमित रूप से ड्यूटी लगाई जाए। राहत कैंप में महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक टॉयलेट स्नानघर की व्यवस्था की जाए व उनकी नियमित रूप से साफ सफाई एवं वेस्ट डिस्पोजल हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएं। राहत कैंप में मेडिकल कैंप संचालित कर बच्चों गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण के साथ एम्बुलेंस एवं डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक राहत कैंप के लिए खाद्य व्यवस्था, मेडिकल सुरक्षा, पेयजल, सैनिटेशन, पशु व्यवस्था तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था हेतु अलग अलग नोडल अधिकारी नामित किए जाएं तथा उनके नाम व नंबर कैंप के बाहर अंकित किए जाएं। बाढ़ से प्रभावित पशुओं को राहत उपलब्ध कराने हेतु पशु कैंप की व्यवस्था की जाए।